हर हर महादेव। शिवपुराण के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय संख्या 18, 19, 20 एवं 21। अध्याय 18 में है बंधन और मोक्ष का विवेचन तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपया हम पर कृपा कर हमें बताएं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पाश में बंधकर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं, जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं, इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप को मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं जिनका विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयंभू लिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने, चांदी, भूमि, वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें तथा 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है, यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग, नाभि, जीव, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान
प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। प्राकृत लिंग धन प्रदान करने वाला है। चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को धन, बाणलिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदरलिंग शुद्धों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल की बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करें। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित तीन प्रकार की होती है। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्धि के लिए रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाएं। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हों, मौन रहें, सत्य तथा गुणों से युक्त हों, क्रिया, जाप, तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथायोग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करे तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करे। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता है, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करें। 19वां अध्याय, पूजा का भेद। 19वें अध्याय में पूजा के भेद के बारे में बताया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो आपने वेद व्यास जी से सुना है सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब दैवीय शक्तियों में दैवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद एवं शिव लोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। 20वां अध्याय। 20वां अध्याय में पार्थिव लिंग पूजन की विधि बताई गई है। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है।
सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें, संध्योपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान के मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगाजल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करें तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। भूर्सी मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें, स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आवाहन करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। ऋचाओं से, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं, तदुपरांत उत्तरीय धारण कराएं। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण है। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षत चढ़ाकर प्रणाम कर आदरपूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावनापूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000
तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेदांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्देश्वर, शुक्र तथा सोम हैं, इन सभी का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूप देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी के पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुण लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुण का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। तो फिलहाल इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में अध्याय संख्या 22, 23, 24 एवं 25 का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ विदेश्वर संहिता संपूर्ण हो जाएगी। विदेश्वर संहिता के बाद श्री रुद्र संहिता का श्रवण करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।